आज आपके साथ इसी जन्माष्टमी पर बनने वाली स्वादिष्ट भोग के लिए मखाने की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप इसे किसी भी व्रत के लिए बना सकते हैं या फिर ऐसा आप वैसे भी बनाकर खाएंगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। इसको बनाने के लिए कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच हम देसी घी ऐड कर देंगे और 1.5 कप हम इसमें मखाने ऐड करेंगे और मखाने को ना मीडियम लो फ्लेम पर आप इसको लगातार चलाते हुए भून लेना। और आप चाहें तो इसको घी में फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं बहुत ही कम घी में इसको भूनकर तैयार करने वाली हूँ। बस हमें इसे क्रिस्पी करना है, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है। और मखाने को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इसे एक बार हाथों से चेक करके देखेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से क्रस्ट होना चाहिए, बस तब तक ही इसको हमें भूनना है। तो मैंने इसको एक मखाने को चेक कर लिया है, ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस मखानों को हम थोड़ा सा घी डालकर और कुछ देर के लिए इनको भून लेंगे। तो मैंने इनको बहुत ही कम घी में भूनकर तैयार किया है, तो मखाने ना बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो 3 कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए और थोड़े से दूध को मैंने केसर में भिगो कर रखा हुआ था और 1/4 कप इसमें मैंने चीनी ऐड किया। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बट इतना मीठा इसके लिए काफ़ी है। चीनी जब अच्छे से घुल जाएगी और इसको फ्लेम को हाई करते हुए हमने खीर को पका लिया है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी है स्वादिष्ट खीर बनकर तैयार हुई है। मखाने की खीर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपको देखकर भी पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। तो मैंने इसके ऊपर केसर से इसको गार्निश किया है, थोड़े से बादाम से इसको गार्निश किया है। तो आप भी इस जन्माष्टमी भोग के लिए मखाने की खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मखाने की खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कान्हा जी को। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आज की आप सभी को पसंद आएगी। अगर मखाने की खीर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें।